हेलो, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने सभी एग्जाम्स की। हालांकि बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, आगे एक्सटेंड हो गया है। हमेशा की तरह इस बार जो हम लोग फेब्रुअरी का जो मंथ होता था उसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम को हर बार देखते थे और कंडक्ट होता था, लेकिन इस बार फरवरी के मंथ में ये एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द कोविड-19, और उसकी वजह से हमारा पूरा सेशन लेट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल टिप्स दूंगी कि हाउ टू स्टे फोकस्ड इन योर स्टडीज स्टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा लेजीनेस इस समय शो कर रहे हैं, हमारे कोचिंग कैंपस में ही है, और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत अच्छा आईक्यू लेवल। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ऑनलाइन देखते होंगे, जो मेरे वीडियोस को सुनते होंगे, और उनको बायोलॉजी कंसेप्ट लगातार कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो फरवरी में एग्जाम्स होने थे ये एक्सटेंड होके मई के मंथ में चले गए हैं, और यूपी बोर्ड की डेटशीट भी आ चुकी है, ऑल दो सीबीएसई की डेटशीट काफ़ी पहले आ गई थी। तो मैं आपको इस वीडियो में स्पेशल टिप्स दूंगी कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम्स को फोकस्ड होके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हाउ टू स्टे फोकस्ड इन योर स्टडी शेड्यूल, हाउ टू स्टे फोकस्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हम लोग फरवरी में हैं और टाइम बहुत है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी क्लासेस को, एक शेड्यूल था उनको हैम्पर करके अपना कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक खास सजेशन है कि प्लीज बेटा आप अभी अपने को फोकस्ड रखें, और जब तक बोर्ड एग्जाम आपका ना हो जाए, मींस अभी हम लोग फेब में हैं, आपके पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, ठीक है, मार्च प्लस अप्रैल। तो आप अपने कुछ इस तरीके से प्लानिंग बनाइए कि आप कैसे 60 डेज में अपना रिवीजन कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स का। होपफुली आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। आप अपने को एक टारगेट डिसाइड करिए और आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, स्मॉल गोल्स, और उन गोल को अचीव करने के लिए आप उसके लिए एफर्ट्स भी करिए। स्मार्ट स्मॉल गोल्स, पहले तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि मुझे इस वीक में, आप वीकली प्लान्स बनाइए। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ स्क्रीन पर। वीकली प्लान्स बनाइए, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाना है कि आपने 2 महीने का प्लान बना लिया कि हाँ भाई हम सुबह 4 बजे उठ के और दिन के 12 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। तो आप छोटे छोटे प्लान्स बनाइए और आप उसको अचीव करिए। जब आप डेफिनेटली एक वीक का प्लान बनाएंगे तो उसको आप अचीव कर पाएंगे। कि आपने सपोज सोचा कि कोई क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है तो मैं केमिस्ट्री का चैप्टर बता दूं, जैसे सपोज आपने ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है, तो आप उस ऑर्गेनिक का एक पूरा प्लान बनाइए कि आप 10 डेज में उसको पूरा रिवाइज करेंगे। आप वो छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, अपने रिवीजन नोटबुक बनाइए और रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बुक खोल के बैठ गए, कुछ मतलब नहीं है, वो देख रहे हैं आराम से, पलट रहे हैं पन्नों को, तो पन्ने पलटने से आपका काम नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप फोकस्ड होके रिटेन प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा लिखेंगे आप, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कटिंग, बार बार कटिंग करते हैं एग्जाम में, अपनी आंसर शीट्स में, तो अवॉइड कटिंग्स ऑल्सो। कटिंग आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अवॉइड करनी है, तो वो मैं आपको एक बोर्ड एग्जाम के पहले एक टिप्स का एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि हाउ टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स टू अचीव योर बेस्ट रिजल्ट। उसके पहले मैं अभी आपको तो सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि प्लीज बी फोकस्ड फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम्स में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, 2 मंथ्स हैं आपके पास। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल टाइम नहीं है, अच्छा खासा आप प्लानिंग करिए, क्योंकि बिना प्लान के आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे, ठीक है। आप प्लानिंग करिए और गॉड पे बिलीव करिए और अपने एफर्ट्स दीजिए, फुल एफर्ट्स, प्लानिंग के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग कर ली और एफर्ट्स कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ साथ आप एफर्ट्स भी करेंगे, देन ओनली यू विल अचीव 100% रिजल्ट्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप 100% रिजल्ट कैसे अचीव कर पाएंगे, आप पूरी प्लानिंग करिए, छोटे छोटे वीकली प्लान्स बनाइए,
मैंने आपको एक सब्जेक्ट का बताया, इसी तरह आप अपने सभी सब्जेक्ट्स का, मैथ्स है, फिजिक्स है, सभी का प्लान करिए और उस पर काम करिए डेली. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू मोर, दैट डू स्मार्ट वर्क. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क. आप इस समय 10 ईयर्स को गो थ्रू करिए. ये समय ऐसा है कि आप बार बार 10 ईयर्स के पेपर्स को लगाइए और कहीं ना कहीं हर बोर्ड एग्जाम में वही चीजें रिपीट होती हैं. ठीक है, क्योंकि जो भी टीचर, जो भी एग्जामिनर पेपर को सेट करता है, वो उसको ये पता होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. जो आज से 10 साल पहले आया था क्वेश्चन, वो आज से 10 साल बाद भी आएगा. बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड हो जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अगर नर्वस सिस्टम का, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं बायो के आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ. जैसे नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं, तो चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 8th में हो, किसी भी क्लास में अगर नर्वस सिस्टम आपका सिलेबस है, क्लास 10th में बेसिकली सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है, तो यहाँ से कोई भी एग्जामिनर जो होगा वो न्यूरॉन का टॉपिक उसका मोस्ट फेवरेट होगा. तो देखिए, सभी एग्जामिनर्स जो भी होंगे उनका अपना एक टारगेट टॉपिक्स है, उसी से वहीं से वो क्वेश्चन देते हैं. तो आप बिल्कुल भी भटकिए नहीं कि मैं सारी सारे टॉपिक्स को कवर कर लूं. ये समय ऐसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करिए एंड टेक आउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टेक आउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. अब आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कैसे निकालेंगे? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकालने के लिए उसको आपको 10 ईयर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा कि 10 ईयर्स में कौन सा आखिर टॉपिक है जो बार बार आया है. तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करिए, और कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक दे. आपको मैंने जो सजेस्ट किया है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकालिए, वीकली प्लान्स बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करिए, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए, एफर्ट्स दीजिए. क्योंकि देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्मण्योवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. उन्होंने बोला था कि सिर्फ कर्म ही आपके हाथ में है, फल की चिंता मत करिए. और ऐसा भी हिंदी में कहा जाता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, ये है गीता का ज्ञान. तो आपको थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी मैं जोड़ रही हूँ, इसी चीजों को मैं बता रही हूँ कि आप जो चीजें पहले बता के लोग चले गए आप उनको फॉलो करिए. कर्म पे फोकस करिए, आप अपना बेस्ट वर्क दीजिए, आप अपना बेस्ट एफर्ट्स करिए. जब आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको रिजल्ट तो 100% अचीव होगा ही. सो इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे पॉइंट को फोकस करेंगे. और आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा डिले कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो. सो मैं कल, जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसको हम लोग चैप्टर 2 को कल कंटिन्यू करेंगे. और तब तक के लिए आप चैप्टर 1 को रिवाइज करते रहिए, एनसीईआरटी को बेस बुक मान के नीट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार तैयारी करते रहें. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल से उनकी हेल्प ले सकते हैं, हमारा बायोलॉजी कंसेप्ट चैनल सुन सकते हैं, उसके वीडियोज जो भी हैं. और अपने डाउट्स को भी आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके डाउट सॉल्विंग सेशन का देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका क्या है, कैसा प्रोसेस है. ठीक है, और अपने डाउट्स को आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प माई डियर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.